जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठावरा तहसील में हम पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये कदीर तिराहा है, कदीर तिराहे पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति यहाँ देश में, समाज में आज नोवल कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी के कारण हो गई है। और क्या नाम है, यहाँ पर देखिए लोग अपने घरों के अंदर कैद से होकर रह गए हैं। और देखिए ये हमारे विद्युत कर्मचारी लोग बेचारे ऐसे में भी धूप और अपना पालन कर रहे हैं। और मैं जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठाकुर द्वारा तहसील से मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़ लाइव। देखिए ऐसी परिस्थिति यहाँ हो गई है कि जैसे देखिए यहाँ बाजार गलियाँ कूचे खाली दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में यहाँ लोग नोवल कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी के कारण बाजार में, अरे बिल्कुल अभी एक मिनट अभी देखिए हाँ भैया कैसे हैं, न्यूज लाइव दिखाया जा रहा है आप हमारे चैनल में, क्या क्या सही नहीं है, कब तक कहाँ पर कहाँ रहते हैं भैया? यहाँ नई बस्ती में रहते हैं। नई बस्ती में रहते हैं भैया, कैसे कैसे लग रहा है आपको जैसे लॉकडाउन समय बरसा चला रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नोवल कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने देश में घेरा डाला हुआ है और देश आज लॉकडाउन की वजह से जिंदगी में ऐसे न लग रही जिंदगी जी जा रही है। आप भैया क्या कार्य करते हैं आप? फर्नीचर का काम करता सर जी, वो भी बंद है। क्या कर रहे हैं? वो भी बंद है। और देखिए कैसे भैया गुजारा भत्ता कैसे चल रहा है? अरे अंकल जी क्या मांग, उनका गुजारा चल रहा है ऐसी खाती है। देखिए कितनी दर्द की बात है। और मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति हमारे देश के नौजवान की और मध्यम वर्ग की हो गई है कि किसान आत्मदाह करने को मजबूर है और किसान बुरी तरह से बर्बाद हुआ है और छोटा मजदूर भी उसी कगार पर है। और आज इसकी हालत सबसे दयनीय है और ये भूखमरी के कगार पर है। ऐसे में इसको अपने जीवन याचना के लिए अपने घर परिवार का गुजारा भत्ता करना मुश्किल में हो रहा। ऐसा लगता है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी से कम और भूखमरी के कगार से लोग ज्यादा दम तोड़ देंगे। जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठावर तहसील से मैं सगीरूप शंकी पांडे समाता राष्ट्रीय समाता आपको दिखा रहा हूँ लाइव। भैया आपको जो ये राशन बट रहा दोबारा अब मिला, आपको सहायता कुछ मिली क्या? मिला सर, राशन मिला था, अब 4-5 दिन में खत्म हो जाता। देखिए हाँ ऐसे में, लेकिन मिर्च मसाले भी चाहिए और काम चलता रहता, काम नहीं चल रहा है। मांगते देखिए बिल्कुल करते रहते, अपना फर्नीचर काम करता है। और ऐसे में जो देश के जो कहे जाते हैं कि हमारे फला उद्योगपति भी हैं, फला साहब हैं, और ऐसे में ऐसे लोग मुझे लग रहा है कि कोई किसी को सहायता किसी तरह से प्रदान ही नहीं करा रहा, पहुंचा ही नहीं रहा है और सिर्फ दिखावा और ढकोसला कर रहे हैं लोग। फेसबुक पे लाइक चलाते हैं, आधी किलो प्याज दे करके, 2 किलो आटा दे करके, 250 ग्राम मिर्चे दे करके और इस तरह से मजाक बनाते हैं गरीब परिवारों का, दबे कुचले परिवारों का। उनको शर्म आनी चाहिए, उनका तरीका बिल्कुल गलत है। अगर किसी की सहायता करानी है तो सिर्फ गोपनीय तरकीब से कराई जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत और मानवता को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए मैं दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ आपको हमारे ठाकुर द्वारा के अंदर। देखिए विद्युत कर्मचारी बेचारे अपने कैसी कड़ी धूप के अंदर और मशक्कत करके और देखिए ये कार्य कर रहे हैं, ये जनता के लिए लगे पड़े हैं बेचारे। और 2 दिन से यहाँ ट्रांसफार्मर में कमी आने के कारण, मेन ट्रांसफार्मर में खराबी आने के कारण, और ये बेचारे रात दिन यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं और रातों में तार जोड़ रहे हैं, कोई गांव से आते हैं, कोई दिक्कत हैं। और ऐसे में इन कर्मचारियों का, अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और देखिए इतनी कड़ी धूप के अंदर ये मेहनत कर रहे हैं और ये जनता के लिए लगे हुए हैं। जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठावरा तहसील से मैं सही रूप से पांडे समाता। और देखिए ये हमारे भाई जुटे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये प्रकाश। और भाई देखिए दूसरी तरफ मंगल सिंह जी और आप नसीब खान। देखिए कितनी कड़ी धूप है और यहाँ धूप के कारण रोजा आदमी रख रहे हैं और रोजों में ना पानी है ना बिजली। और देखिए बिजली कर्मचारी
हमारे अपने ट्रांसफार्मर में काम करने में लगे हुए हैं। और देखिए इनका मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा और जनता को थैंक्स बोलना चाहिए। देखिए